एडीआर के लिए एक पर्याप्त है। 500 एमजी का कैप्सूल जो है उस बीमारी ठीक कर देगा। हमें उन सारे दंगाइयों जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, कहीं जाके बलात्कार करते हैं, किसी को मार देते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनको नागरिक अधिकारों से वंचित करना पड़ेगा। वो इस देश के नागरिक अधिकार भोगने काबिल नहीं है। उन्हें वो सुविधाएं क्यों मिले? उनको मताधिकार से हटाना पड़ेगा, उनका मताधिकार वंचित कर लीजिए, उनसे सब्सिडी हटा दीजिए, उनके जितने भी प्रिविलेज हैं, यानी जो उनके भारत के नागरिक होने खाली रहा यार इस देश में, जैसे तमाम गधे घूम रहे हैं तुम भी घूम। लेकिन इतनी वायलेंस होती है, एक ग्रुप खड़ा हो जाता है, 100 आदमी का 1000 आदमी का ग्रुप खड़ा हो जाता है, बसें फूंक देता है, कुछ नहीं। हमने लिया FIR किया, 10 आदमी गिरफ्तार किया, ये कोई बात हुई? इसको ले जाइए लॉजिकल कंसर्न, सजा में भी कोई बात नहीं, उसकी असली सजा यही है। सोची रहे, पूरा पूरा गांव वोट मांगने जाए, वोट देने जाएगा, वो घर पर बैठा होगा। आप पूछोगे बुंदेलखंड में कहते हैं भैया काहे बैठे घर है, क्या करें हमें वोट को अहंकार पिंच करें। आप घोषित कीजिए वो समाज में बैठने काबिल नहीं है, इस काबिलियत को छीनिए। पहले जो हमारे पास सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल कंट्रोल्स थे, गांव में कोई किसी की स्त्री को, किसी की बच्ची को गलत नजर से देखता था, समाज बहिष्कृत कर देता था, उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था, कोई उसका छुआ पानी नहीं पीता, वो कंट्रोल चला अब तक। लेकिन अब हम एक लीगल सोसाइटी हो गए हैं, कानून का राज है, समाज का राज नहीं है। तो कानून का बेटा जाओ, अचार बनाओ, कानून से निपटने के लिए वकील हाजिर है। प्रभाकर जी माफ करेंगे और हम भी हाजिर हैं, हम तो पहले पुलिस में थे भाई हम भी कौन सा कम दोषी है इस मामले में, सरकार के औजार के तौर। और आज तो पुलिस सरकार का औजार भी नहीं रह गई, ये कहां अपना काम कर रही? इतना इसका दुरुपयोग हो गया, इतना इसका दुरुपयोग हो गया कि अब ये निष्प्रभावी हो चुकी है। वो उसी तरह है जैसे एंटीबायोटिक्स फेल होने लग गए, तो अभी बीमारी नहीं, अब तो जो कीड़े मकोड़े हैं एंटीबायोटिक्स को ओवर पावर कर लिया। इस पूरे जितनी ताकतें थी हमारी, उन ताकतों को हमने शादी की घोड़ी बना दी। शादी की घोड़ी से युद्ध नहीं लड़े जाते, वो तो जुझाऊ बाजा बजेगा, वो नाचने लगे तो ये हमको इस पर काम करना पड़ेगा। ADR अपनी रिसर्च विंग से किस तरह से सिविक राइट्स को किन किन आधारों पर, ठोस आधार हो ताकि इसका कोई फालतू का उपयोग नहीं हो। अब तक आपको पता है देश में एक ही व्यक्ति का मताधिकार वंचित हुआ 5 वर्ष के लिए, नाम नहीं लूंगा, ये फोरम नहीं हो सकता। और उसके बाद जैसे देश उन एक ही पार्टी है जिस पर बंद करने के लिए फाइन भी हुआ कोर्ट के द्वारा, उसके बाद फिर लोग गए कोर्ट में मुकदमा किया दूसरी पार्टियों पर, कुछ नहीं हुआ। उसी सब का परिणाम है, रूल ऑफ लॉ फेल होने लगा, एक पे कुछ नहीं हुआ तो बाकी फिर अपना, अब कोर्ट को भी उसका मुंह नहीं रह गया कि दूसरों की शिकायत सुन पाए। तो भी भाई उस समय जो प्रभाव हुआ था कि नहीं भाई ऐसा करने से प्रभाव होगा, प्रभाव नष्ट हो गया, हमने अपनी उस ताकत को खारिज कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से सिविक राइट्स का विड्रॉल और कंसेंट का विड्रॉल, एंड में दो ही कहूंगा, नागरिक अपने कंसेंट का विड्रॉल करें और सिविक राइट्स का विड्रॉल कौन करेगा? सरकार करेगी? अरे भूल जाइए, सरकारें तो उनको पदोन्नति दे देंगी, सरकारों के लिए तो डार्लिंग है, उन्हें ऐसे ही गुंडे चाहिए।
तब क्या करेंगे? राजनीतिक दल यही करते हैं, तब कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन को सिर्फ नागरिक आचार संहिता के दौरान में कुछ पावर्स इसके ऐसे होने चाहिए जो इसके पास हमेशा रहे। सिविक राइट्स का विड्रॉ करने का पावर, उसका ट्रायल करने का पावर, उसका जुडिशियल ज्यूरिडिक्शन वो इलेक्शन कमीशन के पास हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर जरूरत पड़े तो इसको एक्सपेंड किया जाए ताकि ये सिर्फ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की संस्था ना रहे, इसमें एक दो जज और इंडक्ट किए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तीन का ही प्रोविजन है, इसको सुटेबली बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको इसका ये अधिकार रहे, इसका जुडिशियल ज्यूरिडिक्शन रहे, और इस पर अगर ट्रायल होने लगेगा, इस पर काम होने लगेगा, इसकी स्टेट में भी ब्रांचेज बने, उसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो कार्यक्रम हो जो सिर्फ सिविल राइट्स का पार्ट हो, इनके सिविक पावर्स को, सिविक राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। इन दो फ्रंट पर, एक फ्रंट पर सिटीजन काम करें और दूसरे फ्रंट पर व्यवस्था काम करें, मेरे ख्याल से दोनों मिलकर के अगर ये काम करें तो हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।